India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दोषी नेताओं पर आजीवन बैन मामले में एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट में मामलों के शीघ्र निपटान की कठिनाइयों पर मासिक रिपोर्ट की सिफारिश की और भी कई सुझाव दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और हाइब्रिड मोड पर स्टेटस रिपोर्ट की तलब, सभी हाई कोर्ट्स एनसीएलटी एनसीएलटी एनजीटी को भी नोटिस। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 4 अक्टूबर तक चली अंतरिम जमानत पर सुनवाई। नो हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक ने एसआईटी जांच के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का किया रुख, सुनवाई के दौरान सूचित किया गया कि वो भी हैं आरोपी। India Legal presents Courts Roundup. तो बढ़ते आगे। दोषी नेताओं पर आजीवन बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी ने सांसदों अथवा विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों पर 19वीं रिपोर्ट दी, जिसमें ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कई निर्देश जारी करने का सुझाव दिया गया। सांसदों या विधायकों के खिलाफ मामलों के निपटारे के लिए गठित स्पेशल कोर्ट के सामने आने वाली कठिनाइयों की जानकारी तलब करने की बात रखी गई। 5 साल से लंबित मामलों में देरी के कारणों की जानकारी तलब करने का भी प्रावधान रखा गया। दोषी नेताओं के आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों से संबंधित मामले में अपनी 19वीं रिपोर्ट में ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कई निर्देश जारी करने का सुझाव दिया है। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में एमिकस क्यूरी के सुझावों में सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों के निपटारे के लिए गठित स्पेशल कोर्ट से हाईकोर्ट में 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों में देरी के कारणों और आने वाली कठिनाइयों के बारे में मासिक रिपोर्ट मांगना शामिल है। ऐसे मामलों में सुनवाई समाप्त करना है। एमिकस क्यूरी ने यह भी सुझाव दिया कि हाईकोर्ट अपनी वेबसाइट पर सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के संबंध में अलग अनुभाग बनाए। सुप्रीम कोर्ट 2016 से अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में सभी हाईकोर्ट के सांसदों विधायकों से संबंधित उन आपराधिक मामलों की संख्या जो 5 साल से अधिक की अवधि के लिए लंबित है रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था। ट्रायल करने के लिए आवंटित न्यायाधीशों की संख्या, प्रति न्यायाधीश केस लोड और इन मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसके अनुसरण में विभिन्न हाईकोर्ट ने लंबित मामलों का विवरण प्रस्तुत किया। एमिकस क्यूरी ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में लंबित मामलों की राज्यवार स्थिति को सारणीबद्ध किया। एमिकस क्यूरी द्वारा सारणीबद्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, इसके बाद बिहार राज्य का नंबर है। नवंबर 2022 तक यूपी में ऐसे मामलों की संख्या 1377 है, इनमें से 719 मामले 5 साल से अधिक समय से लंबित हैं। बिहार में नवंबर 2022 तक ऐसे 546 मामले लंबित हैं, इनमें से 381 मामले 5 साल से अधिक समय से लंबित हैं। एमिकस क्यूरी ने 2022 को अपनी 17वीं रिपोर्ट में बताया था कि सांसदों विधायकों के खिलाफ 5097 मामले लंबित हैं, इनमें से 40% से अधिक यानी 2122 मामले 5 साल से अधिक समय से लंबित हैं।
एमिकस क्यूरी ने अपनी 17वीं रिपोर्ट में गवाहों की जांच और आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए तकनीक का प्रयोग करके मामलों की शीघ्र सुनवाई सहित विभिन्न दिशा निर्देश मांगे थे। उक्त रिपोर्ट में एमिकस क्यूरी ने सुझाव दिया था कि यदि आरोपी मुकदमे में देरी करता है तो उसकी जमानत रद्द कर दी जानी चाहिए। यदि अभियोजन सहयोग नहीं करता है तो राज्य के मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजी जा सकती है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि वर्तमान विधायकों से जुड़े मामलों को पूर्व विधायकों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड द्वारा सुनवाई बंद करने के मामले को CJI के सामने उठाया गया। CJI ने मसले पर सभी देश के सभी हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। सभी हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को अपने जवाब में बताना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और हाइब्रिड मोड का स्टेटस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों और विभिन्न न्यायाधिकरणों से इस संबंध में जवाब मांगा है कि क्या उन्होंने मामलों की वर्चुअल हाइब्रिड सुनवाई को निलंबित कर दिया है और ऐसे फैसलों के पीछे क्या कारण है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इसे हमारे ध्यान में लाने के लिए धन्यवाद। हम कुछ ऐसा करेंगे जिसे करने के लिए हम लंबे समय से सोच रहे हैं। हम उच्च न्यायालयों से पूछेंगे जिन्होंने आभासी सुनवाई को खत्म कर दिया। न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या NCLT, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण या NCLAT और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या NGT को भी नोटिस जारी किया और उनके रजिस्ट्रारों से जवाब मांगा कि क्या आभासी सुनवाई समाप्त कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि हम NCLT, NCLAT, NGT को भी नोटिस जारी करते हैं जहां इन ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार जवाब देंगे कि क्या हाइब्रिड सुनवाई जारी रखी जा रही है और अगर भंग कर दी गई है तो क्यों। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया है। वर्चुअल सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग वाली कम से कम 3 अन्य याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष पहले से ही निलंबित है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सिसोदिया की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि उनकी जमानत पर बहस के लिए 3 से 4 घंटे चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मामले पर 4 अक्टूबर की तारीख तय कर दी गई है। वहीं सिंघवी की ओर से यह भी कहा गया कि इस मामले को लेकर मीडिया में मेरे खिलाफ खबरें चल रही हैं। उन्होंने कहा एक तरफ मीडिया को रेगुलेट करने की बात हो रही है वहीं दूसरी तरफ मीडिया खबरें चला रही है। कोर्ट ने कहा कि हम खबरों से प्रभावित नहीं होते। दरअसल सिसोदिया ने दिल्ली शराब घोटाले में CBI और ED दोनों मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देते हुए जमानत दिए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जुलाई में एक नोटिस जारी किया था और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के उन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जांच एजेंसियों से जवाब मांगा था जिसमें उन्हें CBI और ED मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। 3 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मनीष सिसोदिया को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वो धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करते। 7 जुलाई को ED द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि उन्होंने दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और कुछ अन्य आरोपी व्यक्तियों की 52.24 करोड़ रुपए तक की संपत्ति कुर्क की है। इस साल 26 फरवरी को CBI द्वारा सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद ED ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी यूथ कांग्रेस के सचिव सचिन चौधरी की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें उनकी कथित टिप्पणी पर FIR को रद्द करने की मांग की गई थी। इस कथित टिप्पणी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योगपति और अडानी ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष के साथ लव अफेयर के बारे में कहा था। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला M. त्रिवेदी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलील पर गौर करते हुए कहा
कि यदि एफआईआर में लगाए गए आरोपों को सच माना जाए तो ये आईपीसी की धारा 153(a) के तहत अपराध नहीं होगा। खंडपीठ ने कहा याचिकाकर्ता के इस तर्क को हाईकोर्ट के आदेश में संक्षिप्त किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता की रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई। कानून प्रवर्तन एजेंसी अभी भी कथित अपराधों की जांच कर रही है और उन्हें जांच पूरी होने के बाद भविष्य की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेना चाहिए। इस स्तर पर हमें नहीं लगता कि ये हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला है। विशेष अनुमति याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर आलोचना करते हुए दायर की गई, जिसने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि एफआईआर में कथित अपराध निश्चित रूप से आईपीसी की धारा 153(a) और धारा 505(2) के दायरे में आएगी, जो संज्ञेय अपराध है, इसलिए एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती। एफआईआर में उन्होंने आरोप लगाया कि चौधरी ने संबल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये कहकर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153(a), 505(2), 504 के तहत दर्ज एफआईआर के मुताबिक शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री उनके लिए भगवान की तरह हैं। चौधरी के उक्त अपमानजनक बयान से भाजपा से जुड़े लोगों के साथ साथ उनके वर्ग के लोगों और हिंदू संगठनों और कई अन्य धार्मिक संगठनों के सदस्यों की भावनाएं आहत हुई है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक उच्च स्तरीय विशेष जांच के संविधान की मांग की गई थी, जो नूह जिले में हालिया सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामलों की जांच कर रही थी। न्यायमूर्ति विकास बहल ने कांग्रेस के विधायक ममन खान द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया मांगी, जो सुनवाई के दौरान दिलचस्प रूप से पता चला कि उन्हें हिंसा से संबंधित मामलों से एक में भी आरोपी बनाया गया है, इसलिए खान ने भी जबरदस्त कदमों के खिलाफ सुरक्षा मांगी। सुनवाई के दौरान खान का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए उचित उपाय लेने के लिए स्वतंत्रता दी जाए। खान ने अपनी प्राथमिक प्रार्थना को भी एसआईटी के संविधान के संबंध में दबा दिया, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक के पद के लिए अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया था। अदालत ने उसी पर नोटिस जारी किया और 19 अक्टूबर को आगे के विचार के लिए मामले को पोस्ट किया। आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ वकील द्वारा की गई सीमित प्रार्थना के संबंध में प्रस्ताव की सूचना पर याचिकाकर्ता को कानून के मुताबिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए उचित उपाय की तलाश करने के लिए मौका प्रदान किया जाता है। अदालत को बताया गया कि एक सह अभियुक्त तौफीक ने याचिकाकर्ता खान को आरोपी में से एक के रूप में नामित किया है और जांच के दौरान ये पाया गया कि खान और तौफीक ने घटना से एक दिन पहले कॉल का आदान प्रदान किया था। ये भी प्रस्तुत किया गया कि खान को 31 अगस्त को पुलिस के सामने पेश होने के लिए 25 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने जांच में शामिल होने के लिए 10 दिन का समय मांगा था। चूंकि वो जांच में शामिल होने में विफल रहा था, इसलिए उन्हें 4 सितंबर को प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद एक आरोपी बनाया गया था। राज्य ने यह भी कहा कि NUH के पुलिस अधीक्षक की प्रत्यक्ष देखरेख में पुलिस के उप अधीक्षक सतीश कुमार, स्टेशन हाउस अधिकारी नगीना और उप अवरोध बरिंदर से बना एक SIT द्वारा विशेष FIR की जांच की जा रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक हिरासत के मामले में कहा कि एक छोटे बच्चे के सर्वोत्तम हित में जो कुछ भी है वो केवल बच्चे की मां के प्यार और देखभाल पर आधारित नहीं हो सकता है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की पीठ ने 2020 में एक पिता द्वारा अपने 3 साल के अमेरिका में जन्मे बच्चे की कस्टडी के लिए दायरबंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर फैसला करते हुए ये टिप्पणी की। याचिकाकर्ता पिता ने अपने बच्चों को USA ले जाने के लिए उसकी शारीरिक अभिरक्षा की मांग की। कोर्ट ने मां को 15 दिनों की अवधि के भीतर नाबालिग बच्चे की कस्टडी पिता को वापस करने का निर्देश दिया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हिरासत का मुद्दा केवल इस आधार पर तय किया जाना चाहिए कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या है। फैसले में कहा गया है कि अभिव्यक्ति बच्चे का सर्वोत्तम हित है, जिसे हमेशा सर्वोपरि माना जाता है। केवल कुछ वर्ष के बच्चे के मामले में प्राथमिक देखभाल करने वाला व्यक्ति यानी कि माँ का प्यार और देखभाल ही नहीं रह सकती है और आधार है। बच्चे के संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय उसके बुनियादी अधिकारों और जरूरतों, पहचान, सामाजिक कल्याण और शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास की पूर्ति सुनिश्चित करना है।
हालांकि बच्चे के कल्याण का निर्णय लेते समय केवल एक पति या पत्नी के विचार को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। इस जोड़े ने मार्च 2010 में शादी कर ली और स्थायी रूप से बसने के लिए उसी साल जून में अमेरिका चले गए। उन्हें अक्टूबर में ग्रीन कार्ड मिला। बच्चे का जन्म दिसंबर 2019 में हुआ था। प्रतिवादी मां ने दिसंबर 2020 में बेटे के साथ भारत की यात्रा की और याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि उससे संपर्क नहीं करना चाहिए। मां ने भारत में पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई और तलाक के लिए भी अर्जी दी। इस बीच एक अमेरिकी अदालत ने अप्रैल 2021 में पिता की तलाक याचिका को अनुमति दे दी और उन्हें बेटे की अपरिवर्तनीय हिरासत प्रदान कर दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में मां द्वारा शुरू की गई कार्यवाही बाद में सोची गई प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य केवल पिता को बच्चे को वापस अमेरिका ले जाने की अनुमति नहीं देना था। इसने ये भी टिप्पणी की, चूंकि बच्चों की हिरासत से जुड़े वैवाहिक विवादों को अदालतों में कड़वाहट से लड़ा जाता है, इसलिए बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो कोर्ट साउंड अप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।